actually this is my first album. This is my first album. मैं basically fitness field से हूँ, trying to bridge a gap between fitness and glamour industry through this album. ये आप इसमें क्या करने वाले हैं? ये out and out party number होगा और at the same time motivation for fitness part. फिर मैं और बनना होगा इस वीडियो फिर मैं और कौन कौन लोग होंगे? अभी ये कम्प्लीटली अनडिसाइडेड, अभी वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द ऑडियो पार्ट. आज ऑडियो की रिकॉर्डिंग है, उसके बाद वी विल वर्क आउट ऑन इट जैसे आ जाता. और आज के म्यूजिक डायरेक्टर कौन है आपके? म्यूजिक डायरेक्टर राज सेन जी हैं और डायरेक्टर दिलीप गुलाटी सर हैं. और आज के गायक आपके? शाहिद मालिया. शाहिद मालिया को आपने कैसे सेलेक्ट किया गाने के लिए? I mean right now he has done some outstanding गाने, डिशुम के गाने, गुंडे के गाने सब. तो जैसा कि हम लोगों को जो जिस टाइप का चाहिए था बीट, आई मीन क्योंकि ये पंजाबी बेस्ड गाना है तो वी वॉन्टेड सम सिंगर जिसने पंजाबी में जिसका अच्छा कैप्चर हो, तो ही आई मीन जनरली सूट करते हैं पूरे गाने को. पंजाबी में तो रैप ज़्यादा चल रहा है. हाँ, तो ये रैप भी इसमें इंक्लूडेड है. अच्छा. और आपको पंजाबी में कोई सिंगर कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? पर्सनल फेवरेट इज आई मीन सुखविंदर सिंह. हनी सिंह को? हनी सिंह, करेक्ट. या हनी सिंह को किस कैटेगरी में आप लेते हैं? अभी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूथ. ओके. दिलीप गुलाटी जी और क्या कहना चाहेंगे? ही इज अ आउटस्टैंडिंग पर्सन, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है. जो मैं व्यूज लेकर आया था कि मुझे क्या चाहिए, उन्होंने ये समझा एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. तो कितनी बड़ी ये वीडियो बनने वाली है मार्केट में, कब तक आएगी? मोस्ट ऑली वंस द ऑडियो पार्ट इज टेकन केयर ऑफ, हम लोग इमीडिएट वी आर गोना सेट ऑन द टेबल एंड डिसाइड इसके आगे, जितना जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश है. और कितने गाने होंगे टोटल? अभी फिलहाल हम लोगों ने 5 गानों का फाइनल किया है एंड दिस इज द फर्स्ट इन दैट. आप कहाँ रहने वाले? मैं कैलकटा का रहने वाला हूँ. पढ़ाई लिखाई मैंने दिल्ली में किया है. इंजीनियर हूँ बेसिकली फ्रॉम अमेरिका. एट द सेम टाइम फिटनेस मॉडल हूँ और काफ़ी कुछ फिटनेस के दुनिया में किया. 3 टाइम्स ऑल इंडिया मार्शल आर्ट्स ब्लैक बेल्ट हूँ. अब जो है इसमें इवन बॉडी पावर का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ. अब जो मैं ग्लैमर की इंडस्ट्री में एंट्री कर रहा हूँ. तो बड़ा अचीवमेंट आपको अभी तक लाइफ में मिला? आई हैव वन सेवरल फिजिक कॉन्टेस्ट लाइक मिस्टर कैलकटा, मिस्टर बंगाल, रनर्स ऑफ हरक्यूलिस ऑफ बंगाल और ऑल इंडिया इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स ओपन कराटे डू में 3 बार का ओवरऑल चैंपियन हूँ. आपको एक बार कलकत्ता से पंजाबी इस तरफ मुड़ने का क्या रीजन रहा? आई मीन दैट इज द ट्रेंड राइट नाउ. अभी का इट्स ट्रेंड, चाहे आप इमोशनल गाने देखिए या आई मीन हिप हॉप रॉक कुछ भी, एवरीथिंग इट हैज़ अ पंजाबी ट्रेंड राइट नाउ इन इट. थैंक यू. थैंक यू. रखो हो चुका है गाया ये करने वाली थी. क्या बोली मैडम? बोले क्या बोलूँ? थी मैं बोलूँ कि है मैं बोलूँ? हाय बोल दीजिए. क्या ये मैं एक पंजाबी गाना रिकॉर्ड करने वाली हूँ शाहिद सर के साथ एंड वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, डांसिंग नंबर है और एट द सेम टाइम उसमें रोमांस भी बहुत है एंड दैट्स कॉल्ड पंजाबी मुंडा. तो मैनु भी गाने का मौका मिल रहा है पंजाबी मुंडे के साथ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और मेरी बेसिकली इसमें इंग्लिश लाइंस है क्योंकि ये जो गाना है दैल रिवॉल्व अराउंड यू नो वेस्टर्न कल्चर और ये ज़्यादातर प्रमोट किया जाएगा बाहर की कंट्रीज में. सो आई एम रियली एक्साइटेड. कितने गाने होंगे इसमें आपके? ये एल्बम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट बेसिकली इस गाने में लड़की की जो है जितनी भी लाइन्स हैं वो सब इंग्लिश में ही हैं. सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़की पंजाबी तो है बट वो शायद बॉर्न एंड ब्रॉट अप बाहर हुई है, इसलिए मे बी उसका जो कॉन्वर्सेशन है लड़के के साथ वो इंग्लिश में है. म्यूजिक डायरेक्टर के म्यूजिक बारे में क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक तो मैं उनके लिए पहले भी गा चुकी हूँ, बहुत अच्छा म्यूजिक होता है और मैं उनका टेस्ट पहचान चुकी हूँ. थोड़े मज़ेदार गाने टाइप्स बनाते हैं, रोमांटिक तो अभी मैंने गाया नहीं. उनका पिछली बार जो गाना था वो भी एक
डांसिंग नंबर था और तो इस बार भी उनका वैसे ही है तो मुझे बहुत पसंद आया। इस एल्बम को डायरेक्ट कर रहे हैं दिलीप गुलाटी जी, बारे में क्या कहेंगे? दिलीप सर तो मेरे फादर जैसे फादर फिगर हैं और वो मुझे बच्चे की तरह मानते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे, तो मेरे लिए वो डायरेक्टर कम एज ए गुरु ज़्यादा है। और आपके नए प्रोजेक्ट क्या आ रहा है? मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अभी अनुभव सिन्हा, जो आप जानते होंगे डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, उनका एक हॉलीवुड का एक चैनल है, दैट्स फ्रॉम टर्की, टर्की का है, तो उस पर कार्टून्स के एक पूरा सीरियल है, तो उसमें कार्टून्स के ऊपर कुछ गाने हैं, मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कॉम्पोजिशंस हैं, तो उसका एक हिंदी वर्जन उन्होंने राइट्स लिए हैं, तो उसके ऊपर गाने हैं, तो दैट बी संग बाय मी, सारे फीमेल लाइंस मैंने गाए हैं उसमें, उसमें कुछ टेल्स होंगी, उसमें कुछ आप मैडम वगैरह कुछ बताइए के बारे में क्या? नहीं, मैंने पहले भी इससे गाना गवाया उनसे इना मीना टीका में, और जो इनमें क्वालिटी है सिंगिंग की वो इतनी ज़्यादा है कि मैं प्रे करता हूँ कि ये उस मुकाम पे पहुँचे, बहुत बहुत ऊपर मुकाम है इसका, बस वक्त की बात है, गाना क्लिक होने की बात है, सही प्लेटफॉर्म की बात है, और वो दिन दूर नहीं है जब शी विल बी वन ऑफ द टॉप सिंगर्स इन माइंड माई वॉल। इस एल्बम में किसको अपने आर्टिस्ट है? मैं इसमें विकास गुप्ता जो हैं, जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इसमें स्टार कर रहे हैं, और ही प्लेइंग द लीड। अब गर्ल्स का चयन नहीं हुआ है, गर्ल्स का चयन होना बाकी है। और कितने होंगे गाने इसमें? इसमें हम लोग 6 गाने रखे हैं। और शूटिंग कब तक होगी? शूटिंग एग्जैक्टली समझिए 15-20 दिन और लग जाएंगे जब तक रिकॉर्डिंग खत्म होगी। देखिए इसमें म्यूजिक कर रहे हैं राजसेन जी, और गाने में खुद लिख रहे थे, गाना जो रिकॉर्ड किया ये भी मैंने ही लिखा हुआ है, ये गाना मेरा ही लिखा हुआ है, और बाकी देखते हैं बाकी गाने किस तरह से बनते हैं, उस तरह से हम चयन करेंगे गायकों का। और क्या नया प्रोजेक्ट आने वाला है? नया प्रोजेक्ट में सर अभी मेरा, देखिए अभी मेरी हमें जोड़ी नंबर 1 रिलीज है अभी इसी महीने, उसके बाद मेरी माफिया बिग बॉस रिलीज है नेक्स्ट मंथ, और उसके बाद 6 प्रोजेक्ट मेरे लाइनअप है, और इमीडिएटली जो शूट है वो मेरा इना मीना टीका है। अभी मैं 2 प्रोजेक्ट करके आया हूँ लखनऊ में, सावरिया मोहे रंग दे और भाग्य न जाने कोई, और बाकी भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पंजाबी मुंडा के और क्या खूबी होगी इसमें? पंजाबी मुंडा में सर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक पॉजिटिव अप्रोच जो आज यूथ की है रोमांस की, उसको हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इन अ गुड वे, और आज का यूथ जो है वो कैसे मोहब्बत को, रोमांस को, प्यार को देखता है, उसको सेलुलर पे लाने की कोशिश है कि लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। लव, वो कहते हैं कि लव इज़ अ फीलिंग यू फील व्हेन यू फील यू आर अबाउट टू फील अ फीलिंग यू नेवर फेल्ट बिफोर। आपके दर्शक कब तक एल्बम में देखेंगे? एग्जैक्टली मुझे लगता है कि इट शुड टेक अबाउट 3 मंथ्स। थैंक यू।